हमारे इस तरफ से। अरे सर ये पूरा रास्ता बंद किए लोग यहाँ से, हम लोग कहाँ से जाने का, अभी वहाँ से सामने से आते पूरा घूम के जाना पड़ता है, वो घूम के नहीं जाने के लिए रास्ता पहले चालू था तो हम लोग यहाँ से चले आते थे, अभी हम लोग को रॉन्ग मानना पड़ता है अर्जेंट में, क्या करेंगे। म्यूनसिपल्टी को यही बोलना है भाई जहाँ पे टर्न है वहाँ पे डिवाइडर हटा दो आप, कम से कम जहाँ से रास्ता बाहर आ रहा है वो हटा दो, वहाँ से जाने आने के लिए रास्ता रखो, आधा शहर तो खोद डाले इन लोग और जो रास्ता चालू है वहाँ पे डिवाइडर से बंद कर दिए, आदमी क्या करेगा, परेशानी है बस। सर पहले आज से 2-3 साल पहले तक यहाँ जगात नागे पे बिल्कुल सामने टर्न था, ये स्क्वायर है ना तो चार रास्ता निकलता है, एक इधर सामने रास्ता था, अभी इन्होंने रास्ता बंद कर दिया, बहुत आगे से जाके टर्न लेना पड़ता है, उसमें 5 से 10 मिनट लग जाते हैं, वहाँ पर ट्रैफिक भी बहुत रहता है और वो रिस्की भी है वो, तो इसके लिए थोड़ा सी टाइम बचाने के लिए हम इधर से आते हैं। अभी आप क्या चाहते हैं, क्या डिमांड है? ये स्क्वायर है ना समीर दीघे स्क्वायर है ना, स्क्वायर का मतलब होता है चार रास्ता, तो यार चार रास्ता दीजिए ना, आपने 2 रास्ता बंद कर दिया, स्क्वायर को रास्ता दीजिए, जो रास्ता है उसको रास्ता दीजिए। अगर आपको 4 रास्ता मिल जाएगा तो बंद कर देंगे, ये स्क्वायर ये बंद किया, गलत किया ना उन्होंने, ये स्क्वायर तो उसको स्क्वायर कीजिए, आपने तो 2 रास्ता कर दिया इसको। क्योंकि बहुत लंबा यू टर्न है इसलिए। अभी आप किधर से जा रहे थे? मैं गैबी नगर से आ रहा था, मुझे कल वंजारपट्टी नाका जाना है। तो आप अगर कल्याण नाका जाके टर्न मारते तो आपको दिक्कत क्या थी? वहाँ पे ट्रैफिक है बहुत, वहाँ से जाऊँगा बहुत लंबा टर्न है, इसलिए यहाँ से शॉर्टकट मार रहा था और थोड़ा जल्दी जाना था। बीच में कहीं टर्न पे खुला है? नहीं नहीं खुला है। नाके पे अब खड़े हैं हम लोग, यहाँ पे जो पहले आनंद दिखे चौक के सामने सर्कल दिया हुआ था जिससे गैबी नगर से और क्वार्टर गेट से आने वालों के लिए रास्ता दिया था, लेकिन बीच में ये बंद कर दिया गया और इसको वापस से रीओपन किया जा रहा है, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? इसमें मामला ऐसा था कि ये पहले तो यहाँ रास्ता था लेकिन बाद में कुछ RTO ऑफिसर लोग का ऑब्जेक्शन आया था, इसकी वजह से नगर पालिका ने ये रास्ता बंद कर दी थी, लेकिन रास्ता बंद करने के बाद लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। मेरा वार्ड खुद गैबी नगर में है, यहाँ से लाखों की तादाद में लोग निकल के मंडई की तरफ जाते हैं, ST की तरफ जाते हैं, तो ये रास्ता बंद होने की वजह से उनको आगे से घूम के आना पड़ता था, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, ट्रैफिक जाम होती थी, तो वो मामला लेके मैंने कमिश्नर साहब को लेटर दिया था और उनसे बात भी करी थी, तो हमारे जो सिटी इंजीनियर है उनका बोलना था कि RTO ऑफिस की तरफ से मामला ये आया है कि यहाँ से बंद करना है और आगे से चालू करना है, तो मैंने उनसे ये कहा सिटी इंजीनियर साहब से कि बोला सर RTO ऑफिसर अपने को नहीं बताएगा कि आवाम के हित के आवाम के फ़ायदे के लिए अपने को रास्ता कहाँ देना है, मतलब तुम सिटी इंजीनियर हो और ये नगर पालिका का काम है कि आवाम के लिए और आवाम के फ़ायदे के लिए जो हो सके हमको करना है, हमको RTO ऑफिसर नहीं बताएगा कि आवाम के लिए रास्ता कहाँ देना है, हमको जहाँ सर्कल देना रहेगा हम वहाँ सर्कल देंगे, ऑफिसर लोग आके यहाँ खड़े रहेंगे अपनी ड्यूटी निभाएंगे, उनका काम है हम शहर में 10 सर्कल देंगे 10 जगह आके वो लोग खड़े रहेंगे। तो उसके बाद उन्होंने मेरी बात को समझते हुए और भी बहुत से लोग उनको बोल रहे थे, तो उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले ये प्लान किया है कि ठीक है हम लोग यहाँ नीचे सर्कल देते हैं, अब उसमें थोड़ा सी मामला ये पेंडिंग है कि 1-वे देना है कि 2-वे देना है, यहाँ से लेके जाने वाला जो रास्ता है वो तो एकदम कंपलसरी है, लेकिन यहाँ से आने के बाद यहाँ जो ट्रैफिक हो जाती है, लोग यहाँ से आते हैं और जगात नाकी की तरफ घुसते हैं तो उसमें ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है, अशोक नगर के लिए तो ठीक है, तो वो मामले को लेके अभी देखेंगे आगे जो हिसाब से लोगों के हित में रहेगा और लोगों को जिससे आराम रहेगा हम लोग वो करने की कोशिश करेंगे। तो इसके पीछे किसकी मेहनत है जो आज ये चालू हो रहा है, क्योंकि शहर के बहुत से लोगों की बहुत सारी दिक्कतें हैं, शहर की ज़्यादातर आवाम इसी रूट का इस्तेमाल करती है। अब किसकी मेहनत है किन किन लोगों ने बोला है मुझे तो उसके बारे में नहीं आइडिया है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ थी और मेरे वार्ड के लोगों को और ख़ासकर जगात नाके से शांतिनगर तक के लोगों को, इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ थी और उन लोगों ने मुझसे शिकायत भी बहुत बार की थी, तो इसके लिए मैं 1 महीना पहले लेटर दिया, उसके बाद मैंने कमिश्नर साहब हमारे सिटी इंजीनियर हैं उनसे मुलाकात की और लोगों के मसाइल उनको बताए कि उनको क्या तकलीफ़ आ रही है और आगे फ्यूचर में क्या तकलीफ़ आएगी और यहाँ सर्कल देने से कितने लोगों को आराम हो जाएगा, तो उन्होंने भी उसको समझते हुए काम चालू किया है। यहाँ पे काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा और सिर्फ रास्ता खोला जाएगा या कुछ ब्यूटिफिकेशन भी किया जाएगा? नहीं अभी तो उनका इरादा है कि यहाँ ब्लॉक लगा के बीच में एक सर्कल देंगे
फिर उसके बाद देखेंगे आगे और क्या करना है। कम से कम आवाम को जो तकलीफ है वो दूर हो जावे पहले, फिर उसके बाद आगे का और क्या करना है वो भी देखेंगे। इस मुद्दे से हट के हम दूसरे मुद्दे पर भी बात करना चाहेंगे, जैसा टोरेंट का मुद्दा है। आज बीजेपी ने भी मोर्चा निकाला था और शहर में एक ये भी माहौल है कि टोरेंट का 285 करोड़ या जो 80 करोड़ वो भी वसूली किया जाएगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अभी बीच में कुछ चल रहा था व्हाट्सएप में कि 285 करोड़ के लिए हमारे शहर के MLA साहब ने एक मीटिंग लगाई थी। ठीक है, वो मीटिंग लगाए थे, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मामले में क्लियर ये मामला है कि जब बीजेपी सरकार ने वो पैसा माफ़ कर दी थी तो हमारे शहर के जो महापौर थे उन्होंने सरकार को जाके बहुत समझाने की कोशिश करी कि नहीं, ये हमारा हक है, ये आवाम का हक है और ये पैसा तुम माफ़ नहीं कर सकते हो। लेकिन जब सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई तो जावेद दलवी साहब ने 2019 में जाके हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करी और हाई कोर्ट में गुहार लगाई है कि जो हमारा पैसा है, हमारे शहर का, हमारे आवाम का पैसा है, ये पैसा हमको मिलना चाहिए वापस। अभी कोर्ट में मामला चल रहा है, जो भी डिसीजन आएगा इंशाअल्लाह अपने हक में फैसला होगा। और उसके बाद ये जो बीजेपी वाले तुम बता रहे हो आज मोर्चा निकाले थे, ये हाथी के दांत है, ये खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और है। ठीक है, 2007 में टोरेंट आई थी और कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार ने लाई थी, लेकिन वो टाइम शहर के हालात बहुत बदतरीन थे। MSEB के टाइम पे 6-6 एक एक महीना पावर नहीं रहती थी, लोग परेशान रहते, तो उस चीज़ों को देखते हुए सरकार ने एक सुझाव कंपनी से बात करके टोरेंट कंपनी से उनके लिए 10 साल के लिए उनको ये शहर दी थी कि तुम इसको डेवलप करो, लाइन पूरी अंडरग्राउंड करो, मीटर लगाओ, लोगों को सुविधा दो। 10 साल का वो एक टेंडर था, लेकिन जब 2017 आया तो हमारी सरकार चली गई। बीजेपी सरकार का ये काम था कि 2017 के बाद जब इसका वो वर्क ऑर्डर टाइम ऑफ पीरियड 10 साल के लिए और बढ़ा रही थी, तो इन 10 सालों में टोरेंट की वजह से आवाम को क्या क्या तकलीफ है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो शरायत इनको अगले 10 साल में एडजस्ट करना चाहिए था, उनको बताना चाहिए था जो जो तकलीफ है। लेकिन इन लोगों ने रातों रात टोरेंट से सौदा करके उनके हाथ में फिर एक बार शहर को दे दिया और आज ये धरना मोर्चा कर रहे हैं। शहर का आवाम और बच्चा जानता है कि टोरेंट कंपनी जो चल रही है वो किसकी देन है शहर में, टोरेंट कंपनी के ऊपर किसका हाथ है, ये खाली दिखावा है और कुछ नहीं। जैसे 285 करोड़ का मामला है, बीजेपी सरकार कौन होती है माफ़ करने वाली? टोरेंट का पैसा हमको लेना है, हम टोरेंट से मांग रहे हैं, तो तुम बीच में क्यों आ रहे हो? मतलब तुम्हारी कुछ साठगांठ है उसमें? तो ये आवाम को बेवकूफ़ बनाने का काम है जो बीजेपी कर रही है शहर में। आप बीजेपी पे आरोप लगा रहे हो तो अभी राज्य में आपकी कांग्रेस पार्टी की मिलीजुली सरकार है, लेकिन भिवंडी सिटी के अंदर टोरेंट के खिलाफ कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही, इसकी क्या वजह है? अरे अभी वो 285 करोड़ के लिए कांग्रेस के जो महापौर है वही लड़ाई लड़ रहे हैं ना। जावेद दलवी साहब कोर्ट में गए हैं पैसा वापस लाने के लिए। 285 करोड़ का अगर हटा के टोरेंट की दादागिरी देखी जाए और जो बिल बढ़ा के आए, इस पर कहीं कांग्रेस पार्टी नजर नहीं आ रही? उसके लिए भी हम लोग गए थे, मीटिंग हुई है और एक चीज़ में हमारी और भी चर्चा हो रही है। अभी हमारी जो पार्टी के अध्यक्ष बने हैं उनके साथ में मैं भी 15 दिन पहले मंत्रालय गया था, हम लोगों ने लेटर दिया है कि अभी जो सबसे ज़्यादा लोग तकलीफ में है जो पिछला MSEB का बिल बाकी है, तो हम लोग चाहते हैं कि MSEB का बिल पूरी तरीके से माफ़ हो जाए। लेकिन